ज्वालामुखी क्षेत्र के अष्टभुजा मंदिर के नजदीक उदासीनाचार्य जगतगुरु भगवान चंद्र मंदिर में अन्नकूट की विशेष झांकी सजाएगी और ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के अनाजों से बने 56 भोगों के पकवान अर्पित किए गए। कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रम सूक्ष्म किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग में बिना भीड़ के चलते आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति 2 दिन चला, जिसे आज आरती व महाआरती के साथ भोग अर्पण कर समाप्त किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य सुमित व सहयोगियों ने सभी कार्यभार संभाला। इसके साथ ही प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट दिया गया। भक्तों ने भगवान गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाया। वहीं मंदिरों में भी भक्तों ने सामूहिक रूप से भगवान गोवर्धन की पूजा की। सभी क्षेत्रों में भी विधि विधान से भगवान गोवर्धन की पूजा हुई, जबकि गांवों में समूह बनाकर लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर गोवर्धन पूजा की। चंद्रमोहन मंदिर में गुरु महाराज ने गोवर्धन के रहस्य व मान्यता के बारे में बताया। देवराज इंद्र का गमन तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरे गोकुल गांव को नष्ट करने व कृष्ण को अपनी शक्तियों का परिचय देने के लिए काफी बारिश करा दी। गांव में हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और ग्रामीणों की रक्षा की। 7 दिन तक लगातार इंद्र ने अपना कहर बरपाया, लेकिन किसी भी ग्रामीणों को क्षति नहीं पहुंची। तब से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मंदिरों में काफी संख्या में लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और भोग अर्पण करते हैं। कई क्षेत्रों में अन्नकूट व भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। किसी भी देवताओं का अहंकार नहीं छोड़ा है और भगवान ने इंद्र का मद इंद्र का जो अहंकार था तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा लीला सब रची है। जब कोप उसने किया कि मेरी पूजा ना होकर करा होकर के स्वयं अपनी पूजा करवा रहा है, एक गिरदार की पूजा करवा रहा है, कोप किया तो उसने बरसा को क्या जितने भी थे उनके अंग सभी को पानी इतना बरसाओ कि पूरे ब्रज को तबाह कर दो, पूरे ब्रज को एकदम पानी से सब पूरा एकदम लबालब कर दो और कोई भी चीज ना पाए।